الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. स्टेज पर मौजूद ज़ुअमाए क़ौम, क़ायदीन किराम, पिंडाल में मौजूद बुज़ुर्गान उम्मत, मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज पूरे पाकिस्तान में कश्मीरी आवाम के साथ पाकिस्तानी कौम यकजहती का दिन मना रहे हैं और पीडीएम की क़यादत आपके साथ बराह रास्त यकजहती का मुजाहरा करने के लिए यहाँ इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हम आपसे कुछ बात करने और आपकी वसातत से आपके बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान से वाबस्तगी का फैसला किया, आज भी आप उस पर कायम हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक पाकिस्तान में आवाम की नुमाइंदा हुकूमत थी, किसी मोदी को ये जुर्रत नहीं हो सकी कि वो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा करके उसको हिंदुस्तान का सूबा बना सके। आज इमरान खान और उसकी लाबी कश्मीर की तकसीम का सोच रहे हैं, उसकी सोच ही की बुनियाद पर आज मोदी ने ये मौका पाकर उसको हिंदुस्तान का सूबा बना सके। आज इमरान खान और उसकी लाबी कश्मीर की तकसीम का सोच रहे हैं, उसकी सोच ही की बुनियाद पर आज मोदी ने
ये मौका पाकर कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रद्दअमल नहीं आएगा, जिस तरह इलेक्शन से पहले इमरान खान ने कहा था अल्लाह मोदी को कामयाब करे मसले कश्मीर हल हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इख्तदार में आने से पहले पाकिस्तान का एक वाहिद, मैं उसको अब कहूं कि सियासतदान तो ये भी बुरा लगता है, लेकिन ये वाहिद आदमी था जिसने इख्तदार में आने से पहले कश्मीर को तीन हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला पेश किया था। इसके इख्तदार में आने से पहले उसके मंशूर का हिस्सा था कि कश्मीर को तकसीम कर दिया जाए, और फिर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में जाकर उसे पाकिस्तान का सूबा बनाने की बात की। मैं आज भी समझता हूं कि आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, वहां का बच्चा बच्चा पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी होने के नाते हमें इनके जज्बात से कोई शक नहीं है, लेकिन बैनुल अक्वामी सतह पर मामले की जो हैसियत है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है और वो हिंदुस्तान का जुग्राफियाई हिस्सा है, तो ये सलामती काउंसिल की सन 49 की करारदादों की मुखालफत है। बैनुल अक्वामी फोरम पर हिंदुस्तान ने आलमी फोरम के फैसले से गद्दारी की है, अक्वामी मुत्तहिदा की करारदादों से गद्दारी की है, सलामती काउंसिल की करारदादों से गद्दारी की है। जो गद्दारी उन्होंने की थी, आज वही उस गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा है। हम समझते हैं आप मराहत दें, आप इज्जत दें, आप उनको वसाइल मुहैया करें, आप उनको रोजगार मुहैया करें, आप उनको खुशहाल जिंदगी मुहैया करें, इस पर किसी को एतराज नहीं, लेकिन मसले कश्मीर की सियासी हैसियत को तब्दील करना ये पूरे कश्मीरियों के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमने यहां इस मुजफ्फराबाद में दो हैसियतों के साथ जलसा किया है, एक अपनी साबिका रिवायात को बरकरार रखते हुए 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर, और आज उसमें एक एहतजाज शामिल है। उसमें एहतजाज शामिल है कि जिस तरह कश्मीर का सौदा किया गया, कश्मीरियों के ख्वाहिशात के बरक्स जिस तरह हिंदुस्तान ने इनकी हुकूमत के दौरान गुज़श्ता साल 5 अगस्त को कश्मीर के मसले की हैसियत ख़त्म कर दी, आज जाहिर है कि हम उस एहतजाज में भी शरीक होने के लिए आपके पास मुजफ्फराबाद आए हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, कश्मीर एक ऐसा तरने वाला नहीं कि आप आसानी से उसको निगल सकेंगे, और मैं आपके सामने हाजिर हूं जब तक मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा हिंदुस्तान को जुर्रत नहीं हो सकी, और आज आपको पता है, पता भी है कि कश्मीर का वजीर कौन है और उसका चेयरमैन कौन है। कश्मीर फ्रेश हुक्मरान,
मोदी न्याजी गठजोड़, मोदी न्याजी गठजोड़, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान और मोदी इमरान और ट्रंप की इस तकून की साजिश की बुनियाद पर मसले की हैसियत को तब्दील किया गया। हम आज वाज़ह तौर पर कहना चाहते हैं कि एक नाजायज हकूमत और ना अहल हकूमत को कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला करने का कोई हक हासिल नहीं है। हम इन हुक्मरानों को मसले को तब्दील करने का कि इजाजत नहीं दे सकते। कश्मीर एक मसला है, कश्मीर एक नजरियाती मसला है, कश्मीरी कौम का मसला है। आप पंजाब को तकसीम करें इस बुनियाद पर कि आधा पंजाब सिखों का है, आधा पंजाब मुसलमानों का है। आप बंगाल को तकसीम कर सकते हैं कि आधा बंगाल मुसलमानों का और आधा हिंदुओं का है। लेकिन आप अगर ये तकसीम पाकिस्तान का 47 का फार्मूले का हिस्सा है तो फिर आर पार कश्मीरी मुसलमान है, आर पार कश्मीरी मुसलमान है। एक मुसलमान कौम की हैसियत से पाकिस्तान से इल्हाक करना ये उनका हक बनता है और उसी हवाले से हमने इस मसले को हल करना है। बलावल भुट्टो साहब आ गए, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, बड़ी संजीदगी के साथ आप इस बात को सुने कि हमने पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन को मुस्तरद किया है। एक धांधली की हकूमत है और फिर उसने अभी हाल ही में जो गिलगित बल्तिस्तान में धांधली कराई, हम उस धांधली को तस्लीम नहीं करेंगे। और अब वही धांधली कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर के आने वाले इलेक्शन में कराई जा रही है और हमने इनको धांधली नहीं करने देनी। आपने जुर्रत करनी है, आवाम ठीक होते हैं। ये जो एक मफाद परस्त तबका होता है, मफाद परस्त तबका जो कल मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा था, अगर आज उनका कोई एक मेंबर भी पीटीआई में जाता है या उस कैंप में जाता है, वो कश्मीर का नुमाइंदा नहीं है, उसे कश्मीर का गद्दार तसव्वुर किया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार जो कल पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था या उसका मेंबर था और आज वो अपनी वफादारी तब्दील करके पीटीआई में जाएगा या उस कैंप में जाएगा, उसको गद्दार कश्मीर तसव्वुर किया जाएगा, वो कश्मीरियों के वोट का हकदार नहीं बन सकेगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने इन हालात पर नज़र रखनी है और हमने कश्मीर के मसले पर दो टोक मौकफ देना है। हिंदुस्तान को मजबूर करना है कि जो फैसला उन्होंने पिछले साल किया कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ, हम उस फैसले को तस्लीम ही नहीं, इंशाल्लाह उस फैसले को वापस कराने की भी जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आज फिर से आपके साथ यकजहती का ऐलान करता हूं। पाकिस्तान के हर जिली हेडक्वार्टर पर आज आपके हक में
रैलियां निकल रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये दिलों का जोड़ ये हमेशा बरकरार रहेगा। हम एक कौम हैं, एक उम्मत हैं और इस लिहाज से मुझे पता है कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान को क्या दिया कि वो अब कश्मीर को देने जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है, पाकिस्तान को भूख और अफलास, पाकिस्तान को इन्होंने महंगाई दी है। कश्मीरियों, अगर तुमने उनका साथ दिया तो अपने तारीख मुस्तकबिल का इंतज़ार कीजिए, फिर महंगाई के मुस्तकबिल का इंतज़ार कीजिए, फिर बेरोज़गारी के मुस्तकबिल का इंतज़ार कीजिए, कभी भी आपके कश्मीर में खुशी नहीं आ सकेगी। सलाम अलैकुम। यार आप लोग माइक बंद करें प्लीज़, माइक बंद करें भाई, एक सेकंड मेरी गुजारिश सुन लें। आप हजरात काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं तकरीर के लिए, बराए मेहरबानी खामोशी इख्तियार करें, यह गलत तरीका है। हम इससे ज्यादा नारे लगा सकते हैं, आप तकरीर सुने आराम से। तवज्जो करें भाई, तवज्जो, बात हो रही है, आपको मौका देंगे, नारों का मौका देंगे, जरा प्लीज तवज्जो करें। तो अगर कश्मीर पर हुकूमत बनती है इन लोगों की, जो हशर इन्होंने 2 साल में पाकिस्तान का कर रखा है, उससे बहुत जल्द कश्मीर का बुरा हाल कर देंगे। आप फिर कश्मीर को जन्नत नज़ीर नहीं कह सकेंगे, इनकी हुकूमत के होते हुए ये जहन्नम नज़ीर तो हो सकता है लेकिन जन्नत नज़ीर नहीं कहलाया जा सकेगा। इसलिए आप पूरे खलूस के साथ और हिम्मत के साथ अपने मुस्तकबिल के फैसले करें और किसी आप एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की इजाज़त मत दे कि आप पर अपने फैसले मुसल्लत करें। कश्मीर आज़ाद होगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे और श्रीनगर की मंडी, रावलपिंडी के नारे लगते रहेंगे और इंशाल्लाह इंडिया का ख्वाब कभी कश्मीर पर कब्जा करने का वो शर्मिंदा